जबलपुर से भोपाल लाया गया लिवर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सबसे लंबा करीब 350 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जबलपुर से सड़क मार्ग के जरिए एक ब्रेंडेड मरीज का लिवर गुरुवार शुक्रवार की रात भोपाल लाया गया। डॉक्टरों की टीम गुरुवार रात लिवर लेकर भोपाल के लिए निकली थी, यानी जबलपुर से भोपाल तक का सफर करीब 4 घंटे में पूरा कर लिया। डॉक्टरों ने यहां बंसल अस्पताल में भर्ती पेशेंट की सुबह करीब 3:30 बजे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू की। पहले हेलीकॉप्टर के जरिए लिवर लाने का प्लान था। डॉक्टरों की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर से भोपाल से जबलपुर के लिए उड़ान भरी, लेकिन रात होने की वजह से हेलीकॉप्टर ने रिटर्न उड़ान नहीं भरी, जिसके बाद सड़क मार्ग से लिवर लाने का फैसला लिया गया। लिवर जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल से भोपाल के बंसल हॉस्पिटल लाया गया है। बंसल हॉस्पिटल के मैनेजर लोकेश झा ने बताया कि डॉक्टर्स को जबलपुर से आर्गन लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था। 4 घंटे में तय किया सफर। बंसल हॉस्पिटल के मैनेजर लोकेश झा ने बताया कि जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में 64 वर्षीय मरीज को 20 सितंबर को ब्रेंडेड घोषित किया गया था। उनके परिजन ने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे में सर्जरी कर लिवर निकाला गया। बॉर्डर से सटी सीटों पर यूपी के नेता एक्टिव, विधानसभा टिकट के लिए कर रहे दावेदारी। जानिए किन सीटों पर मौसमी नेता सक्रिय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे विधानसभा में यूपी के नेता चुनाव लड़ने की तेजी से तैयारी में जुटे हुए हैं। चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य तक उत्तर प्रदेश के नेता चुनाव के पहले ही सक्रिय हो गए हैं। करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां बाहरी नेता चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय हैं। निवाड़ी विधानसभा सीट पर 1998 में पहली बार उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण सिंह यादव ने चुनाव लड़ा। इसके बाद 2003 में सपा के ही नेता हरगोविंद कुशवाहा ने चुनाव लड़ा। फिर 2008 में दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव ने चुनाव लड़ा और विधायक बनी मीरा। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनी। इस बार फिर से मीरा यादव विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार घोषित की गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में झांसी जिले के रहने वाले कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। कैपिटल भी फिर से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पृथ्वीपुर में पहली बार परिसीमन के बाद बनी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंदन सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रहने वाले और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने चुनाव लड़ा। इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के ही नेता संजीव यादव संजू सियावनी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2018 के विधानसभा चुनाव में ललितपुर जिले के रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव ने सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें करीब 45,000 वोट मिले और वे दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद शिशुपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और पृथ्वीपुर से बीजेपी की टिकट पर उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने।